Hello everyone, welcome to my channel for study related help. Any kind of help like a notes and any information related to study level. So let's get started. If you like my video, please click on a subscribe button and share this video with your friends and family members. Today I'm going to sharing all detail about a BTC. बीटीसी आपको कब करनी चाहिए, कितनी परसेंटेज पे आपका एडमिशन होगा, एडमिशन का प्रोसेसर क्या होता है और आप किसके बाद बीटीसी कर सकते हो, ये सारी जो डिटेल है आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बीटीसी का नाम चेंज होकर डीएलएड हो गया है, तो सेम जानकारी दोनों प्रोसेसर होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें मेंशन है कि बीटीसी का नाम चेंज करके डीएलएड हुआ है, जो कि 2 ईयर्स का होता है जिसमें आपके सेमेस्टर वाइज होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। कैसे एडमिशन क्या होता है वो आप जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आप बीटीसी करना चाह रहे हो तो आपको ऑल डिटेल उसके बारे में पता होनी चाहिए, जिसके लिए सबसे बेसिक होता है उसका नाम, तो होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बीटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको मेनली पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं। आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है वो पास आउट होना चाहिए, मिनिमम उसके लिए 50% आपकी होनी चाहिए। 50% तो लोअर सिर्फ लिमिट्स में रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें एडमिशन आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होता है और मेरिट आपकी जितनी हाई होगी बीटीसी में आपका एडमिशन आने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। स्टेट्स का सेफ फॉर्मूला होता है, जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज है बीटीसी में आपके आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आपकी परसेंटेज जो है वो आउट ऑफ 300 से ऊपर है तो आपके चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं के बराबर होते हैं बीटीसी में आने के। देन आगे बढ़ जाते हैं होती है या कितनी परसेंटेज पे कैसे कॉलेज मिलता है वो सारी डिटेल। तो इसमें के लिए एज डिटेल होती है कि 21 से 42 आपकी एज होनी चाहिए। परसेंटेज मिनिमम जो मैंने आपको बताया, क्राइटेरिया 50% का रखा जाता है, बट आपकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा हाईएस्ट होगी उतने आपके चांसेस हैं बीटीसी में एडमिशन लेने की। बीटीसी के लिए आपको 2 टाइप्स के कॉलेज मिल जाते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। प्राइवेट्स में तो आप फिर भी 200% पे एडमिशन ले सकते हो आउट ऑफ 300। जो 300 होती है वो आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों को मिला के दी जाती है कि कितनी हैं। उनमें से 100 में से आपकी तीनों जगह 10th में कितनी है, 12th में कितनी है और ग्रेजुएशन में कितनी है, उन्हें जॉइंट करके बनाया जाता है। और अगर वो 200 से ऊपर है तो आपके बीटीसी में चांसेस हैं आने के। उसके अलावा उस परसेंटेज को डिवाइड कर दिया जाता है डाइट, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट होती है वो होती है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट, 250 के अराउंड जाती है, 240 से 260 होती है। एंड देन जो प्राइवेट हैं वो 200 से ऊपर आपकी कितनी भी परसेंटेज है आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि क्या आपको कैसे करना होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो एडमिशन का प्रोसेसर होता है उसके लिए। फॉर्म अभी जा चुके हैं, फॉर्म अभी तो बहुत आगे का प्रोसेसर चल रहा है, बट मैं आपको बता रही हूँ। फॉर्म फिल करने के बाद मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें आपका नाम होता है, आपकी परसेंटेज होती है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका नाम होता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग करानी होती है, जो कि आपकी रैंक दी जाती है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। आप चाहे दिल्ली से कर रहे हो चाहे यूपी से कर रहे हो, आपको वहाँ की एक परसेंटेज दी जाती है, एक रैंक दी जाती है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है। लाइक आपकी अगर 1000 तक है तो आपकी काउंसलिंग 1 फेज में हो जाती है, अगर आपकी 1000 से ज़्यादा है तो 2nd फेज में आपकी काउंसलिंग हो जाती है, जो कि अभी करंट में चल रहा है 2nd फेज की काउंसलिंग। जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग आपको ऑनलाइन करानी होती है, ऑफलाइन नहीं करानी होती, तो आप ईजिली उसे करा पाते हो, किसी भी कैफ़े में जाके करा सकते हो। मेरिट लिस्ट आने के बाद, मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम है वो अच्छे से चेक करने के बाद, अब लास्ट में आ जाता है कन्फर्म एडमिशन। अब आपकी काउंसलिंग हो गई है तो काउंसलिंग में आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, आपको उसमें फॉर्म फिल करना होता है। काउंसलिंग बाद जो आप 3 to 5 कॉलेज सेलेक्ट करते हो, उनमें से जिस कॉलेज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, क्योंकि सीट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, उनके लिए बहुत कम और स्पेशली गवर्नमेंट के लिए बहुत कम सीट्स होती हैं जिन पर आपका नंबर आना मुश्किल होता है। बट अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको वहाँ जाके कंफर्म एडमिशन कराना होता है, अपनी फ़ीस देनी होती है और उसके बारे में बताना होता है। फ़ीस वगैरह कितनी होती है, कैसी होती है, मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बीएड और बीटीसी में अंतर के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हो, इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प होती है तो वो वीडियो मैं तब बनाऊँगी, अदरवाइज़ मेरे एमएससी के नोट्स आपको मिलते रहेंगे।
रहेगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और सारी डिटेल में आप सबको समझा चुकी हूँ, एडमिशन कैसे होता है, परसेंटेज कितनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ क्लिक ऑन अ सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सो बाय बाय।